भाजपा द्वारा किया गया पत्रकारों का सम्मान एवं पत्रकार वार्ता का आयोजन। देवरी रेस्ट हाउस में भाजपा द्वारा विधानसभा स्तरीय पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। रेस्ट हाउस परिसर में शनिवार को भाजपा मंडल इकाई के एवं भाजपा में शामिल हुए व्रज बिहारी पटेरिया द्वारा पत्रकारों को सम्मानित किया गया। पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने चुनौतियों के साथ समस्याओं को साझा किया तो जनप्रतिनिधियों ने माना कि सरकारों ने अब तक इस चौथे स्तंभ को उपेक्षित रखा है। पत्रकारों की मांग पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए व्रज बिहारी पटेरिया ने कहा है कि आपकी प्रमुख मांगों को पार्टी हाई कमान तक पहुंचाकर हल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा एवं सरकार के समक्ष पत्रकारों का मजबूती से पक्ष रखने का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा है कि पत्रकार समाज की आत्मा है, फिर भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने पत्रकारों को न्यूनतम पारिश्रमिक व आवासीय सुविधा दिलाने के लिए सरकार के समक्ष मजबूती से पक्ष रखने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपेश जैन, प्रीतम सिंह, संदीप जैन सिनेमा, सुनील प्रजापति, महामंत्री सुधीर बजाज, अनिल जैन, अशोक साहू, रमेश पटेल, उमेश पलिया, विनोद गुप्ता, शोभा नेमा, प्रदीप पटवा, संतोष सोनी, अनीता मिश्रा, वंदना दुबे, सत्यवती लोधी, समस्त पत्रकार बंधु सहित भाजपा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मतभेद के कारण उसका फायदा उठा लिया कांग्रेस के जहां तक मैं भी कांग्रेस में था, मतलब फायदा आपने भी उठाया था, इसलिए हम यहां आ गए। अब सवाल जहां तक कामों का है, वर्तमान नेतृत्व जो है यदि वो सक्षम नहीं है प्रशासनिक अमले पर कंट्रोल करने के लिए या जो योजनाएं पेंडिंग पड़ी हैं गवर्नमेंट स्तर पर उनको पुशअप करने के लिए, यदि वो सक्षम नहीं है तो कैसे होगा विकास? तो सही सर, मैं भी तो वही पूछ रहा था, योजना का लाभ पीएनडी की जो भाजपा नेता थे वो सक्षम नहीं थी ये सब काम करवाने के लिए, मेरा भी क्वेश्चन वही था जो आप बोल रहा, वही क्वेश्चन मेरा। तो मैंने जवाब दिया ना आपको, मैंने जवाब दिया जी। नेता मजबूत पहले भी थे केंद्र में भाजपा के, प्रदेश में, देवरी की बात कर रहा हूं, देवरी में भी कब मजबूत, आज भी मजबूत, काम क्यों नहीं कर पाए सर जब मजबूत थे? इसलिए मतभेद, जब हर परिवार में मतभेद हैं, भाइयों भाइयों में बंटवारा हो रहा है, हर घर में मतभेद चल रहा है, ये तो पार्टी है भैया। ऐसा तो नहीं है कि देवरी विधानसभा में कांग्रेस विधायक को सौतेला व्यवहार किया जा रहा हो? देवरी से संवाददाता भरत ठाकुर की खास रिपोर्ट।